हेलो डियर सेंस, गुड मॉर्निंग। तो आपसे स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास से बात करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है और आज से एग्जाम 3 फरवरी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, बनने के वीडियो के साथ लास्ट बनेंगे और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 फैराड विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? इसका ध्यान देंगे, 1 फैराड विद्युत कूलम जो है आपको 96,500 कूलम के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96,500 कूलम। दूसरा क्वेश्चन है, लोहा का मुख्य अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट, सीडराइट, हेमेटाइट, सभी। लोहा का मुख्य अयस्क जो है हेमेटाइट होता है। क्या होता है? लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट होता है। तो इसका नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो OH ग्रुप द्वारा। किसके द्वारा? OH ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिए, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। किस ब्लॉक के नाम से? डी ब्लॉक तत्वों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो जलायंशित होकर 3 से अधिक 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुन्ना एन तथा बुन्ना एस क्या है? प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर, लैक्टेस, पॉलीथीन। बुन्ना एन और बुन्ना एस जो है आपको प्राकृतिक रबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल रबर होते हैं, प्राकृतिक रबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है? प्रति अम्ल, पेड़ाहारी, ज्वरनाशी, प्रतिजैविक। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से किसको रोका जाता है? तो एंटी एसिड से रोका जाता है, प्रति अम्ल से रोका जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? तो ध्यान देंगे, CH3COOH का IUPAC नाम इथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? इथेनोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज का सूत्र क्या है? सुक्रोज का सही सूत्र क्या है? ध्यान दीजिए, सुक्रोज का सही सूत्र C12H22O11। C12H22O11 सुक्रोज का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर कार्बन दो को है तो हो जाएगा इथाइल, और NH2 को बोलते हैं एमीन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एमीन। क्या देगा? इथाइल एमीन। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के ग्रुप वन के तत्वों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के ग्रुप वन के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है और ग्रुप दो के तत्वों को क्षारीय भूमिज धातु कहा जाता है ना। ग्रुप वन के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, ग्रुप दो के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक विधि जिसमें किसी धातु के अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? भर्जन, प्रगलन, निस्तापन, सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भर्जन, है ना। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भर्जन। अगला क्वेश्चन है, कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन जो है वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया अर्ध लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल लेता है? नीला, हरा, उजला, काला। तो बदलता है किस रंग में? नीला रंग में, ठीक है, नीला रंग में बदल लेता है। अगला क्वेश्चन है, उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो उजला और पीला फास्फोरस अपरूप है, एक दूसरे क्या है? अपरूप है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन जो है ओस्टवाल्ड विधि से किया जाता है। किस विधि से? ओस्टवाल्ड विधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो है HNO3 होता है, ठीक है। तो इसी तरह जाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, और वीडियो अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स में जल्दी से फटाफट वीडियो का लिंक फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।